मध्य प्रदेश सरकार सिक्किम के पाक्योंग में शहीद हुए कटनी के जवान प्रदीप पटेल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी और कहा, प्रदेश सरकार शहीद के माता पिता के साथ खड़ी है। शहीद जवान प्रदीप पटेल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव हरदुआ में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सड़क हादसे में शहीद मध्य प्रदेश के जवान को खजुराहो एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश सरकार शहीद जवान प्रदीप पटेल के माता पिता को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी और कहा, प्रदेश सरकार शहीद के माता पिता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, हमारे लिए बहुत दुखद घटना है, लेकिन देश और सेना पर हमें गर्व है। हमारे जवान शांतिकाल हो या युद्धकाल, बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और देश की हिफाजत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारे लिए बड़ी दुखद घटना भी है, लेकिन देश और सेना पे हमें सदैव गर्व रहेगा। हमारे जवान शांतिकाल हो या युद्धकाल, अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और देश की हिफाजत में अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं। 5 तारीख के दिन एक बड़ी घटना घटी, जिसमें हमारे 4 बहादुर जवानों की शहादत हुई है। उसमें मध्य प्रदेश के कटनी विजय राघवगढ़ गांव के पहरदोला नामक गांव के रहने वाले हमारे स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी का वीरगति को प्राप्त हुए। मैं आज स्वयं खजुराहो एयरपोर्ट पर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मैंने खेद व्यक्त भी किया और दुख व्यक्त करते हुए परमात्मा से कामना की कि जो पुण्य आत्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसे बहादुर जवानों को जीवन भर हम सब याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की जो हमारी धनराशि है, वो उनके चूँकि विवाहित नहीं होने से उनके माता पिता को समर्पित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। दुख की इस बेला में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है। आपको बता दें कि सिक्किम के पाक्योंग में सेना के वाहन दुर्घटना में कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के ग्राम हरदुआ निवासी वीर सबूत प्रदीप पटेल शहीद हो गए। इस हादसे में 4 और जवान भी शहीद हुए। प्रदीप पटेल भारतीय सेना में ड्राइवर के पद पर पदस्थ थे। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की पार्थिव देह को विशेष विमान से खजुराहो लाया गया और फिर सड़क मार्ग से सेना के वाहन में कटनी के हरदुआ कला गाँव ले जाया गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।